हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाला नाश्ता बनाएंगे, तो इस नाश्ते को आप हेल्दी नाश्ता भी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, एक छोटी कटोरी बारीक कटी हुई मेथी, आधी छोटी कटोरी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, बारीक कटा हुआ एक प्याज, इसी प्याज में दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी है, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, एक छोटी चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हींग, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला। तो इन सारी चीज़ों को आटे में डालने के बाद अच्छे से हम मिलाएंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक कटोरी मेथी। तो यहाँ पर मेथी के पत्तों को हमने धोकर इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसी के साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ एक प्याज, इसी प्याज में दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से फिर से एक बार मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छे से मिलाते हुए इस तरह का बैटर बनाकर तैयार कर लें। बैटर बिल्कुल उस तरह बनाना है जिस तरह हम चीले बनाने के लिए बनाते हैं। तो इस तरह से बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है, तो फटाफट से अब हम बना लेंगे। यहाँ पर हमने गैस पर पैन रख दिया है। पैन पर डालेंगे थोड़ा सा तेल और पैन को हम गरम कर लेंगे। और जैसे ही पैन गरम हो जाए, इसमें से हम दो चम्मच के करीब बैटर लेंगे, पैन पर डालेंगे और जितना आप फैला सकें उतना इसे फैला दें। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और नीचे से अच्छे से सिकने दें। और जैसे ही नीचे से सिक जाए पलट दें और बस दबाते हुए दोनों ही साइड से हमें इसे सेकना है, जिससे कि आटे का कच्चापन ना रहे। तो बिल्कुल इस तरह से जब दोनों ही साइड से अच्छे से पक जाए प्लेट में निकाल देंगे। और इसी तरह हम और चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने बैटर में 7 से 8 चीले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथी और प्याज के कुछ चीले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इन्हें आप गर्मा गर्म चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।